हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब? होप करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हमें पता चलता है कि हमारे पठानकोट में एक मैजिक शो आया हुआ है। तो हमें पास भी मिल जाते हैं और हम सीधा निकल पड़ते हैं उसको देखने के लिए। हम पहुँच चुके हैं सीधा ऑडिटोरियम और यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी है अपने। हमारे पर तो पास हैं, इसके कारण हमें एंट्री मिल जाएगी। सो लेट्स सी। हम थोड़ा लेट थे इसलिए हमें सीट अच्छे से नहीं मिली, तो हमें साइड पर सीट मिली है। यहाँ की सीट सी खाली थी, तो यहाँ से ऐसा व्यू आ रहा है कुछ। तब देखते हैं मैजिक। क्या होता है? ऊपर से सिर्फ नीचे की तरफ, लेकिन हमारे जादुई मंच पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे एक सपनों की राजकुमारी हवा में तैरते हुए देखिएगा। हमसे अच्छा तो परिंदों की जात, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। आपके तालियों के लिए धन्यवाद। इसी खेल के नाम था समथिंग।
नीचे से देखिए मुकुल जी बॉक्स को उठाओ भाई। हाथ मार कर देखो मुकुल सॉलिड है। आराम से आराम से। मुकुल बॉक्स में गए हैं। अगर इस बॉक्स में कोई भी राज बाहर आ जाएंगे आप लोगों के बीच। वहाँ वहाँ तो कोई भी नहीं है भाई, वो तो गंजा गंजा उनके सिर में तो बाल है। क्या मुकुल सच में गायब हो गए क्या बॉक्स से? मुकुल बॉक्स सही है खोल दीजिए। सब खेल जानता आइए मुकुल बॉक्स में आप गए हैं अंदर बाहर आ गए मैं बताना भूल गया सभी के सामने बता दो। इस बॉक्स में अंदर जाने के बाद और बॉक्स से बाहर आने के बाद तो है कोई प्रॉब्लम हो अकेले में उनसे मिल लीजिएगा वहां कर जाइए। और इस खेल को करने आ रही मिस पायल पायल हथकड़ी लगा दीजिए पायल के हाथों में। लगा दिया गया बॉक्स में ताले भी लगा दीजिए मुकुल ताले लगाइए और चाबी अपने पास रखिएगा चाबी मत दीजिएगा किसी को ताला चेक कर लीजिएगा ठीक से खुलता तो नहीं है। बॉक्स में किसको बंद किया आपने? मिस पायल नाम याद रखिए। और इस खेल में साथ देने के लिए आ रहे हैं मिस्टर राम 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 मुकुल आप सामने इधर इस लड़के की तरफ नजर रखिएगा। आप लोग भी अपनी अपनी पलक को झपकने में रेडी हो? पैंट ज्यादा ढीला है क्या? ठीक है पायल तो बाहर है कि बॉक्स में कौन है? ठीक तो है सही है बॉक्स को सुबह so अभी हो चुका है 10 मिनट्स का ब्रेक और हम जाते हैं कुछ खाने के लिए कुछ पीने के लिए लेने। तो हम आते हैं बाहर यहाँ पर मिले थे पॉपकॉर्न और पैटीज कोल्ड ड्रिंक भी थी हमने ली पैटीज और पानी की बोतल ली थी। हम यहाँ से लेते हैं पैटीज और पैटीज भी ठंडी थी कोई मज़ा नहीं था टेस्ट नहीं था कोई सिर्फ फालतू में थी इतनी महंगी भी थी बट दोस्तों ने बोला तो मैं ले आया। हमने यहाँ से ली 4 पैटीज और खाई और सबसे पहले इन्होंने गालियाँ दी कह रहे क्या लेके आए। उसके बाद मैजिक होता है फिर से शुरू तो देखते हैं। देखिए लड़की को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया है लड़की के मुख है बाहर दोनों हाथ है बाहर और पैर है बाहर। अपना हाथ हिलाकर दिखाओ पैर हिलाकर दिखाओ स्माइल प्लीज
का पोजीशन क्या होगा, आइए दिखाते हैं दिल दहला देने वाला आइटम जो आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। हे 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 लड़की के चार हिस्सों में काट दिया है, बांट दिया है। दहेज के लिए इसी तरीके से लड़की को क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, आग लगा देते हैं। ना दहेज लो ना दहेज दो, दहेज प्रथा बंद करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। है क्या अमित जी इधर आइए, चेक कर लिए क्या अगर कोई रास्ता या दरवाजा? एक दिन जाना, आप यही जादू के मंच पे जाने के लिए क्यों तैयार है? पहले चले जाएंगे, ये भी बात थोड़ी कह रहा हूँ मैं। सवाल अमित जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बॉक्स में किसी इंसान को बंद कर दिया जाए तो क्या, अगर इस बॉक्स में लॉक कर कैद करने जा रहा है मेरा असिस्टेंट? अमित जी इस लड़के के हाथों में हथकड़ी लगा दीजिए। हे खुदा, ये आ रहा है दरवाजा खुला रखना, ये रहे या ना रहे माया। और भगवान स्वरूप दर्शकों को नमस्कार कर आशीर्वाद ले और जा। रास्ते लापता, मंजिलें हैं सारी बेनिशान। नमस्कार कर आशीर्वाद ले, बंद करो। धूप की हवाएं कांटों के बगीचे, माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया। लगाइए अमित जी, जल्दी कीजिए। इस दुनिया में जो भी गया वो तो गया। आपने ताला लगा दिया, बंद कर दिया, जिंदगी और मौत के बीच डाल दिया। इधर खड़े हो जाइए अमित जी। किसको बंद किया? हमारी लड़की को बंद कर दिया। चंद तालियों के लिए अपनी जान बाजी पे लगा दिया है। अमित जी, अब एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आपको अगर इस बॉक्स में बंद कर दी जाए तो कितने मिनट तक सांस रोक सकते हैं आप बॉक्स के अंदर? 3-4 मिनट? 2 मिनट। 2 मिनट बॉक्स के अंदर सांस रोकेंगे तो निश्चित बात है कि खुले माहौल में अगर सांस रोकना हो तो कितने मिनट रोकेंगे? 3-4 मिनट? 2-2.5 मिनट। 2-2.5 मिनट सांस रोके, उससे पहले देख लेते हैं हमारे असिस्टेंट के हालात क्या है। अप, अप, अप। दर्द भरी आंखों में रातें सोती नहीं और जिंदगी और मौत के बीच छटपटा रहा है, अपनी जान बाजी पे लगा दिया सिर्फ चंद तालियों की आवाज सुनने के लिए। अगर खेल अच्छा लग रहा हो तो तालियों की आवाज जरूर दीजिएगा। कंपटीशन में सभी जादूगर लोगों ने भाग लिया। अमेरिका के जादूगर फ्रांस सरारे, डेविड कॉपरफील्ड और इंडिया के कई जाने माने हस्तियों ने भाग लिया। हमने सोचा क्यों ना हम भी कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे भारत देश और भारत देश के वासियों का सर गर्व से ऊंचा हो। जब मैंने इस आइटम को तैयार करके उस मंच पर मैंने स्वयं खुद दिखाया तो बड़े से बड़े जादूगरों को हमने पीछे छोड़ दिया। प्रथम अवार्ड से नवाजा गया, सुनहरे अक्षरों में गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया। आज मेरे पैर में चोट लगने के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण
थोड़ी पोस्ट इस खेल को गाइडेंस कुछ देखने को मिलेंगे जिसमें अमिताभ बच्चन, राजा मुराद, ममता कुलकर्णी, सलीम जैदी कई कलाकारों ने काम किया और हमने भी जादू के कुछ मुख्य आइटम्स दिखाए हैं। फिल्म के नाम अभी आउट नहीं हुआ है, जैसे ही नाम आउट होगा हम आपको बता देंगे, जब तक इंतजार कीजिए। अगर खेल आप लोगों को दिल से अच्छा लगा हो तो जोरदार तालियों की आवाज। आइए देखते हैं 5-6 मिनट के अंदर इसका पोजीशन क्या है। अब आ गया उधर, उधर तो कोई भी नहीं है, डाउन। इसके बाद हो गया मैजिक ख़त्म। उसके बाद सब लोग घर चले गए और हम भी जादूगर के साथ एक फ़ोटो लेके, उसके बाद हमने खाए एग रोल। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।